नमस्कार, मेरा नाम साई कृष्णा। आज मैं बलवीर सिंह पहलवान के पास आया मुद्गर लेने। इनके वीडियोस मैं यूट्यूब पे देखता रहा और वार्म अप कैसे करना है, वर्कआउट कैसे करना है, बहुत ही टेक्निकली पहलवान अच्छा खासा समझाता है। तो मुद्गर लेने के लिए आ जाया हूँ और मेरे को बहुत खुशी हुई कि बलवीर सिंह जी अपना पुराना सभ्यता और पुराना वर्कआउट करने का जो संस्कृति है उसको वापस ले आने के लिए वो अपना कोशिश कर रहे हैं, और इसके लिए मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ। और सब आप सबको भी बोलता हूँ कि जिम तो सब करते हैं, लेकिन व्हाई डोंट यू ट्राई अपना देसी इंडियन वर्कआउट विच विल स्ट्रेंथन योर ओवरऑल मेंटल एंड इट गिव्स यू मेंटल एंड फिजिकल हैप्पीनेस। थैंक्स। ऑनलाइन के मुद्गर में और यहाँ के मुद्गर में आपको क्या फ़र्क लगा, और एक बार आपका मुद्गर उठाइए। एक तो टेक्निक मेरे को सीखने को मिला है काफ़ी अच्छा, मतलब मैं गलत टेक्निक से करता था। और ऑनलाइन जो दूसरा मुद्गर और इसमें ग्रिप का बहुत ही डिफरेंस मेरे को पता चला, इसका ग्रिप काफ़ी अच्छा है और जैसा होना चाहिए वैसा है। दूसरी बात, जो चलाने का तरीका, स्मूथनेस और जो डर है इधर लगेगा उधर लगेगा, ये बलवीर सिंह जी ने हटा दिया, तो ये बहुत बड़ी बात है। ऑनलाइन पर पॉलिश के मुद्गर मिलते हैं उसमें, और जो अपना नेचुरल मुद्गर है ऑयल लगा हुआ, उसमें कुछ फ़र्क? अरे फ़र्क तो साफ सामने ही पता चल ही रहा है, वो तो पॉलिश वाला वो शोकेस में रखने वाला पीस जैसा है, ये यूज़ करने वाला पीस जैसा है इसके, और क्या बोलूँ मैं। ओवरऑल आप खुश हैं? मैं खुश हूँ भाई। आप बहुत अच्छे काम कर रहे हो। मैं आपको जितना मेरे साइड से हो सकता है मैं और लोगों को बोलूँगा, और उनको भी ये इंडियन ट्रेडिशनल एक्सरसाइज, अरे इंडियन ट्रेडिशनल एक्सरसाइज आप एक हलेबीडू जाएंगे, मतलब 1000 AD, 900 AD टाइप के टेम्पल्स में, उसमें हर जगह ये मुद्गर और गदा हर जगह डिपिक्ट किया हुआ होता है शिल्पों, मतलब पत्थर में भी सब ऑलरेडी अपने पूरा आर्ट बना हुआ है। तो इसको हम वापस लेने में हमको और ज़्यादा बेनिफिट होगा, लेकिन ना कि नुकसान। तो आई थिंक वी शुड ऑल ट्राई ये सब करके, अगर सही है नहीं है एक बार ट्राई करके, अच्छा लगा नहीं लगा तो खुद डिसाइड कर लें। मुझे लगता है कि सबको पसंद ही आएगा 100%। मेरे को एक हफ्ते में मेरा पोस्चर में ही डिफरेंस हो गया, मेरा शोल्डर्स अब थोड़ा और पीछे है, आई एम नॉट बेंडिंग डाउन, मतलब मैं झुक भी नहीं रहा हूँ। एक हफ्ते से मैं अपने घर पे खुद के पास जो भी है उससे चला रहा हूँ, ये थोड़ा अभी और थोड़ा इसमें टेक्निकल बनना है। एंड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, लास्ट बात जो मुझे लगता है, ये सब अपने घर पे कर सकते हैं, इसके लिए कोई इक्विपमेंट की ज़रूरत भी नहीं है। एक मतलब मुद्गर इज़ वेरी वेरी चीप या एक छोटा सा डंबल का सेट खरीदने के कॉस्ट में आपको मुद्गर आ जाता है, उससे आप घुमा लो जितना घुमाना है और आपका ताकत बढ़ गया तो लो बड़ा वाला। ठीक है, जय हिंद।